हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का स्टूडियो हम लोग का हिंदी, जो कि क्लास 10 के लिए है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके मॉडल पेपर बेस्ड बनाया गया है, आप देख पाएंगे किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफ़ी देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन पहला देख पा रहे आप लोग यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ, यानी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था पटना में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौ राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौ, यानी भारत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, सेन साहब जो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ होगा कौ, यानी बिजनेसमैन या इंजीनियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोए डाले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खौ, यानी दो दांत। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध है यूनान से, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवा क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि हीरो सीमा कहाँ है। तो पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं जापान में, कहाँ पे है, तो जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आठवां देख पा रहे आप लोग कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो यहाँ पे इसके सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सर है पाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे आप लोग कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कि बहादुर कौन था। तो बहादुर क्या था, एक नौकर था, ऑप्शन आपका यहाँ पे गौ राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी स्वाधीन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देख पा रहे हो कि एथेंस किस महादेश में है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी यूरोप। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन की पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ग, यानी राम विलास शर्मा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी नर्तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां देख पाए आप लोग कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चाचा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी रंग कर्म से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पाए 18वां क्वेश्चन कि अविनियो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी फ्रांस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि ला शत्रुज क्या है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी ईसाई मठ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि सुकुमार गंधर्व है। तो ये कौन है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शास्त्रीय गायक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन की यथासंभव में कौन सा समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अव्ययीय भाव समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है कि अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी अप। अब अगला क्वेश्चन है कि संत मछली लेकर क्यों भागा। तो क्यों भागा था, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में 3 मछलियाँ थी, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन कि बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ, यानी कमरुद्दीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है कि नियमत का एक अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गौ, यानी वरदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी या बी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के रचनाकार है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन गुरु नानक किस काल के कवि है। तो गुरु नानक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी भक्ति काल के कवि है। अब 30वां क्वेश्चन कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह डैश ने किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी गुरु अर्जुन देव। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है कि मिस्र में से किन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी घनानंद।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कवि के कवि है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कि आत्मजयी किनकी रचना है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कुंवर नारायण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है कि हमारी नींद कवि के अनुसार देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी गरीब बस्तियों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कवि में उल्लू कहाँ बोलता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कपास के पेड़ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कि रैनर मारिया रिक्के किस भाषा के कवि है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ख नंबर यानी जर्मन भाषा के। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिक्के की कविता का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी धर्मवीर भारती। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कि नगर कहानी के रचनाकार कौन है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यानी सुजाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निरंतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो पता होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे गौर आठ हो जाएगा यानी 5 भेद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि राजकुमार शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें समास की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कि कलेजा कांपना मुहावरे का अर्थ होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी डर से कांप जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी प्रारंभ होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि आयात का विलोम होता है, तो आयात का विलोम होता है निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग 45 क्वेश्चन कि कुटिल का विलोम होता है, तो कुटिल का विलोम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी सरल होता है। कुटिल का क्या होता है, सरल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, इन तीनों में से कौन चारों में से कौन पत्थर का पर्यायवाची होगा, तो सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी पाषाण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो इन चार में कौन होगा, तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यानी पीयूष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन यानी आपका क 48 का राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो समझौता में आपका सही आंसर होगा ख यानी औता जो यहाँ पे लगा हुआ है, यह प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी सु। तो यही तक क्वेश्चन था, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पूरी तरह से एक बार में समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लीजिए। तो यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।